आइस एज क्या है और आइस एज कैसे होता है? आइस एज पृथ्वी की उन ठंडी सतह पर होता है जहां पर सूर्य की रोशनी लंबवत नहीं पहुंच पाती है, जैसे अंटार्कटिका। और आपने गेम ऑफ थ्रोन्स तो देखा ही होगा, इसमें बार बार कहा जाता है कि आइस एज आ रहा है, लंबी सर्दियां आ रही है, पर असल में इसका मतलब क्या होता है? आप तो जानते होंगे कि आइस एज का हिंदी में मतलब होता है हिम, और एज का मतलब होता है युग। हिमयुग का अर्थ होता है लंबा बर्फीला समय, मतलब हिमयुग पृथ्वी के ऐसे युगों को कहते हैं जिसमें पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान लंबे अरसों के लिए कम हो जाता है, जिससे महाद्वीपों के बड़े भूभाग पर हिमानिया ग्लेशियर फैल जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक बर्फ की परतें ठोस अवस्था में जम जाती है, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। अब सवाल यह है कि एक हिमयुग कितना समय लंबा हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक हिमयुग कितना भी लंबा हो सकता है, मतलब हम इसके बारे में कह नहीं सकते, फिर भी अनुमान के मुताबिक 2000 साल या 27000 साल का कम से कम हिमयुग होता है। ऐसे हिमयुग पृथ्वी पर बार बार आए हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भविष्य में भी आते रहेंगे। आखिरी हिमयुग अपनी चरम सीमा पर अब से लगभग 2000 साल पहले था। माना जाता है कि यह हिमयुग लगभग 12000 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर अभी भी बर्फ की चादरें होने का अर्थ है कि हिमयुग अपने अंतिम चरणों पर है और अभी समाप्त नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों को 5 बड़े हिमयुग ज्ञात हैं। पहला है नंबर 1 हीरोमाई हिमयुग। यह सबसे प्राचीन हिमयुग था और लगभग 2.4 से 2.1 अरब साल पहले अपने चरम सीमा पर था। इसमें बहुत ही भयंकर सर्दी हुई थी और यह हिमयुग लंबे अरसे तक रहा। नंबर 2 क्रायोजेनिक हिमयुग। यह आज से लगभग 85 से 63 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ और पिछले 1 अरब वर्षों का सबसे भयंकर हिमयुग माना जाता है। इसमें पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी और माना जाता है कि उस समय अंतरिक्ष से देखने पर यह एक पूरा सफेद बर्फ का गोला नजर आती है। नंबर 3 इंडियाई सराहरवी हिमयुग। यह एक छोटा हिमयुग था जो आज से लगभग 46 से 43 करोड़ साल पहले घटा था। नंबर 4 करू हिमयुग। यह 36 से 26 करोड़ वर्ष पूर्व घटा। उस समय पृथ्वी पर वनस्पति और पौधे बहुत घने और विस्तृत हो गए। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई थी, जिससे धरती का तापमान काफी गिर गया और हिमयुग का आरंभ हो गया। नंबर 5 क्वार्टनरी हिमयुग। यह वह हिमयुग है जो अभी चल रहा है, लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। इस हिमयुग में तापमान और हिम का प्रकोप ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे समुद्रों का पानी ऊपर नीचे उठता रहता है। अब सवाल यह है कि हिमयुग का टेम्परेचर कितना होता है और कितना ज्यादा और प्लस और माइनस हो सकता है? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी बर्फ बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी हवा में उड़ने लगता है, यानी भाप बन जाता है। और एक हिमयुग का तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से -170 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इतनी कम टेम्परेचर में अगर आप वहां पर चले जाते हो तो कुछ ही सेकेंड में बर्फ में जम जाओगे और आपका बॉडी फ्रीज हो जाएगा, सर्वाइव कर सकते हैं। और आज भी हिमयुग का अंत चल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर अभी भी बर्फ की चादरें होने का अर्थ है कि हिमयुग अपने अंतिम चरणों पर है और अभी समाप्त नहीं हुआ है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका, और इसका 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत से ढका हुआ है। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। पृथ्वी पर सबसे ठंडा प्राकृतिक तापमान कभी जुलाई में -8.92 डिग्री सेल्सियस दर्ज था। अंटार्कटिका को विशाल वीरान बर्फीले रेगिस्तान भी कहा जाता है। जाड़ों में इसके आंतरिक भागों का कम से कम तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और -90 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, और गर्मियों में इनके तटों का तापमान अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। बर्फीली सतह पर गिरने वाली प्रामैंगनी प्रकाश की किरणें साधारणतया पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। इस कारण अंटार्कटिका में सनबर्न अक्सर एक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में है। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।